हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी कॉमिक जोन। शाहरुख खान को इस वजह से KRK ने दी धमकी, बोले अब जवान की कहानी बताऊंगा और फिल्म को बर्बाद कर दूंगा। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान से तहलका मचाने के बाद अब एक और बिग स्क्रीन रिलीज के लिए तैयार है। उनकी फिल्म जवान इसी साल सिनेमा घरों में हिट करने वाली है। तो हर स्टार की फिल्म आने से पहले उनके पीछे पड़ जाने वाले कमाल आर खान यानी KRK किंग खान को कैसे बख्श सकते हैं। उन्होंने हाल ही में जवान को लेकर ट्वीट किया है। पिछले काफी दिनों से KRK शाहरुख खान की जवान को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें एक एंटी पायरेसी कंपनी से मेल आया जो जवान के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रही है। KRK ने इस मेल का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें KRK से गुजारिश की गई है कि वो जवान से रिलेटेड कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल से हटा दें। लेकिन कंटेंट हटाने के बजाय उन्होंने इस मेल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। KRK ने लिखा, सुबह सुबह मेरे पास एक मेल आया जिसमें मुझे कहा गया कि मैं जवान से रिलेटेड सारे कंटेंट को अपने पेज से हटा दूं। मुझे इसके लिए लीगल नोटिस भी भेजा गया। मैं ऐसे किसी नोटिस को नहीं मानता हूं और अब मैं इसके हटाने की बजाय मैं आज पूरी कहानी के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर इस फिल्म को खत्म करने के लिए 100% प्रतिबद्ध हूं। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। बता दें कि साउथ के फेमस डायरेक्टर एटली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जवान में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, विजय सेतुपति, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार नजर आने वाले हैं। खबर ये भी है कि फिल्म में संजय दत्त भी कैमियो रोल कर रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।